बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। माय डियर व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक डिलीशियस एंड हेल्दी ऑयल फ्री पोटैटो एंड पीस ड्राई रेसिपी। यू कैन ऑल्सो से इट अ पोटैटो एंड पीस सैलेड। दिस डिश इज परफेक्ट फॉर दोस हु आर लुकिंग टू ईट क्लीन एंड फॉलो अ डाइट प्लान। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही टेस्टी है और सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक बेहतरीन आलू मटर की एक ऐसी ड्राई सब्जी बनाएंगे जो ऑयल फ्री है और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो डाइट पे हैं। तो चलें जनाब, सीखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। वैसे तो मटर का सीजन अब जा चुका है लेकिन अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं बड़ी मुनासिब कीमत पे। मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो मटर और मटर का आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी क्योंकि इस सीजन में थोड़ा सा मटर का जायका तब्दील हो जाता है, तो अगर आप इस तरीके से उबालें तो बहुत ही मजेदार इसका फ्लेवर आता है। करना आपने ये है कि पानी लेना है तकरीबन एक लीटर, उसमें आधा किलो मटर डाल के दो चम्मच आपने इसमें नमक डालने हैं और साथ में सिरका और एक चम्मच चीनी डाल के इसे उबाल लेना है, अच्छे से इसको नरम कर लेना है। आलू को भी अलग से उबाल लेना है, उसमें एक चम्मच नमक डाल के। अब दो टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है मक्खन। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें डाला जीरा, अजवाइन, अदरक पाउडर और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो बस फिर आपने इसमें मटर डाल देने हैं। मटर का मैंने सारा पानी फेंक लिया था, उस पर थोड़ा सा और पानी डाल के इसको अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब इसको मैंने इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल इसमें से नमी खत्म हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। नॉन स्टिक पैन ली है मैंने, इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप नॉन स्टिक पैन ही लें। यहाँ पे अब मैं इसमें दो चाय का चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला डाला था। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। आलू आपने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेने हैं। इस तरह बॉईल करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन आलू नरम हो जाएगा और आलू का भी आपने पानी फेंक लेना है। ये देखिए मटर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका हुआ है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे, ये भी उबला हुआ आलू है और इसमें मैंने एक चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं और अगर ना डालें तो ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगेगा। लीमू मैंने क्यों नहीं डाला इसकी रीज़न भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है बेहतरीन सा। थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर छिड़क दें, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। बस अब आपने इसको उतार लेना चूल्हे से और डिश आउट कर लेना। ये देखें आपको लुक से नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ड्राई हैं, लेकिन खाने में इतने मज़ेदार हैं कि आप इसे नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में खाएं, रात के खाने में खाएं, आपको बिल्कुल भी पेन भी नहीं होगी स्टोमिक में। जिन लोगों को सैलेड सूट नहीं करता उनके लिए ये एक बेस्ट सैलेड ऑप्शन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, साथ में आपको वेजिटेबल के भी तमाम फाइबर और मिनरल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट तैयार की है, 12 चम्मच चावल डाले और साथ ही 12 चम्मच मैंने ये सलाद के डाले हैं। आप अब मैंने लीमू क्यों नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें साथ डाली थी फिर दही, आप इसे दही में मिला के खाएं तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। गर्मियों में ऐसे लाइट सी सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। जरूर तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आपको मिले। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।